नमस्कार। पार्टी सर्कल फॉर ऑफ इंडिया आप सबका इस रिफ्रेशर प्रोग्राम में स्वागत करती है। सब लोग नेशनल कन्वेंशन 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस न्यू नॉर्मल वे ऑफ नॉलेज टेस्ट में भाग लेने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। तैयार रहिए 18 दिसंबर को 3:20 पर अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए, क्योंकि 3:30 से आपका नॉलेज से शुरू हो जाएगा। जितने भी क्वालिटी सर्किल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक 3:30 से उनका टेस्ट शुरू होगा और जितने लोग बाकी अन्य में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका 4:30 से नॉलेज टेस्ट शुरू हो जाएगा। नॉलेज टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस, आपको एक चुनना है। और यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो एक 5वां ऑप्शन भी दे दिया है जिसमें आप ठीक कर देंगे कि ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है। आइए देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। आइए हम लोग अपने क्वालिटी गुरुज को देखें, डॉक्टर डब्ल्यू सेवर्ड, जिन्होंने कहा कि कितना भी सोफिस्टिकेटेड हमारा प्रोसेस या मशीन क्यों ना हो, 2 चीजें आइडेंटिकल नहीं बनाई जा सकती, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन। और चूंकि इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को इन्होंने ध्यान दिया, इनको The man who discovered quality के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। PDCA the basic idea था, W. Seward का था। Dr. Deming जब PDCA बता रहे थे वो बराबर इस बात को मेंशन भी करते थे, लेकिन Seward ने कहा नहीं, आपने इसको पॉपुलराइज किया है इसलिए PDCA Deming wheel के नाम से ही जाना जाएगा। उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट और जो पर्सनल लाइब्रेरी थी वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को दान कर दी। ये उनके भारतवर्ष के प्रेम को दिखाता है। हम लोग सब उनके बड़े आभारी हैं। डॉक्टर डब्ल्यू एवर्ड डेमिंग, जिनको 1950s में जनरल मैकार्थर ने बुलाया, उस समय जूसे और कैंडन रेड, एक ऐसा एसोसिएशन जो चीफ एक्सिक्यूटिव का है, दोनों ने मिलकर के सीरीज ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जूसे ने 1951 में इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेमिंग अवार्ड डिक्लेयर किया। डॉक्टर डेमिंग को 1940s में सैंपलिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले यूएसए में इसको सेंसेक्स के लिए किया गया। डॉक्टर जेएम जुरान, जुरान ट्रायोलॉजी में क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट 3 भाग हैं। इन्होंने जो यूनिवर्सल फिनोमेना दिया वाइटल फ्यू और यूजफुल मैनी का, वो अपने में फेमस है। इशिकावा जी, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल की शुरुआत होती है एजुकेशन से और एंड भी होता है एजुकेशन से, और जब तक वर्क प्लेस है क्वालिटी सर्किल एक्टिविटीज, क्वालिटी कंट्रोल सर्किल एक्टिविटीज बराबर चलती रहेगी। तो 1962 में जो इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सर्किल को जन्म दिया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और ज्यादातर लोगों ने इसको क्वालिटी सर्किल के रूप में अपनाया। सिकची नाकाजिमा, जिन्होंने टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस को जन्म दिया,
पीएम अवार्ड और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पीएम अवार्ड आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नाकाजीमा को इस टीपीएम फिलॉसफी के इंडस्ट्री में इंप्लीमेंटेशन के लिए जापान के एम्परर ने रंजू होशु और मेडल विद ब्लू रिबन अवार्ड से सम्मानित किया। पीसी महानालोबिस उन्होंने एडवोकेट एंड पाइनियर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी और स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और कहा कि अगली जो शताब्दी है बेशक स्टैटिस्टिक्स के लिए जानी जाएगी और आज स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस हम सब लोग महसूस करते हैं। जापान में जो रेवोल्यूशन आया पहले क्वालिटी कंट्रोल के लिए, टोटल क्वालिटी कंट्रोल की बात करी, फिर कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल की बात करी जिसका कि मुख्य उद्देश्य था एक नेक्स्ट प्रोसेस इज द कस्टमर। ACWQC बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। आइए थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देखें। 1940s में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, बट लेकिन आज भी आप देखो हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पर शायद बिलीव करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना लिया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, बट ब्लड में शायद नहीं आया। तभी आप ये घर के दुनिया भर के जितने भी इक्विपमेंट्स है तब तक गारंटी पीरियड है, ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे कहां बिलीव करते हैं। जब ब्रेकडाउन आता है तभी हम लोग उसको रिपेयर कराते हैं। 1950s में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चालू किया गया। ये दो तरह का था, टाइम बेस्ड, कंडीशन। 1950 में डॉक्टर डेमिंग जापान आए जैसे आपको बताया और 1954 में डॉक्टर जुरान जापान। डॉक्टर डेमिंग का जो डेमिंग व्हील था उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्लान डू चेक एक्ट, लेकिन इशिकावा जी ने इसको मॉडिफाई किया, प्लान को दो भागों में और टू को दो भागों में बांटा और इस प्रकार से टोटल 6 भाग हो गए। प्लान में पहले अपना उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसको कैसे अचीव करेंगे। टू, एजुकेशन और ट्रेनिंग, पहले लोगों को एजुकेट करो, ट्रेन करो, फिर उनको बोलो काम करने के लिए, उसको चेक भी करो और अप्रोप्रिएट एक्शन। 6 स्टेप हो गए। 7वां स्टेप क्या होगा, आपने जो एक्शन लिया है उसका रिजल्ट क्या रहा। इस प्रकार से आज भी जापानीज डेली रूटीन मैनेजमेंट के लिए इसको फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से कहते हैं PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। आपने प्लान किया, किया चेक किया और एक्शन लिया, लेकिन सपोज आपने चेक किया और पाया कि सब कुछ ठीक है, तब क्या करेगा, तब हम उस सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दें। जब आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं आप कीजिए, सब जगह कीजिए, चेक कीजिए लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपरली एक्शन लीजिए। लेकिन सपोज सबने स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब क्या एक्शन होगा, स्टैंडर्ड को चेंज कर दो और उसको कैसे अचीव करेंगे, फिर से प्लान करो, फिर करो, चेक करो, और यही कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहेगा जिससे हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ सकते। 1960s में प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इनफैक्ट 1964 में प्राइस डिक्लेयर किया गया, 1962 में क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स, 1964 में पीएम प्राइस ऑलरेडी हमने बता दिया, तो 1970s, इनफैक्ट 1971 में टीपीएम आया और धीरे धीरे करके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, क्या क्या करें। रोज देखिए आप पाएंगे कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बेसिकली देयर कोई कल दो ही कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन, नया डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी और नया सिस्टम। और पहले इसी पे लोग बिलीव कर रहे थे, केवल कुछ टॉप सीनियर लोग, एग्जीक्यूटिव्स, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, ये मान के चलते थे कि नीचे वाले जो लोग हैं
उनका काम है केवल चुपचाप उसको फॉलो करना, और शायद वो लोग टास्क परफॉर्मेंस को इस तरह मानते थे कि शायद उनके दिमाग नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कहते थे चुपचाप अपने काम करो, अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन ने महसूस किया नहीं इनके दिमाग भी है और बोल सकते हैं, तब इनसे आइडिया क्यों ले, और तब उन्होंने सजेशन स्कीम चालू की। सजेशन स्कीम में ये महसूस किया गया कि लोग सजेशन दूसरों के बारे में देते हैं अपने बारे में। जापानी से कहा कि इनके दिल और दिमाग भी है, दिल भी है और दिल दिमाग है, बोल सकते हैं कि ये इनका इस्तेमाल क्यों ना करें, और हम इनको क्यों ना कहें कि आप अपने कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम को लो, अपनी समस्या को लो और सुझाव मत दो, करके देखो। और इस तरीके से काइजन की शुरुआत। काइजन मसाकी माई जिसके जन्मदाता, काई मींस चेंज, जेन फॉर बेटर, तो काइजन क्या हुआ, चेंज फॉर बेटर यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जापानीज मेथोडोलॉजी है इनोवेशन प्लस काइजन, और हम भारत में पॉलिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। काइजन के तीन प्रमुख स्टेप हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इंप्रूवमेंट लाना है, पहले तो उसको एलिमिनेट कर दो, जो प्रॉब्लम आ रही है नहीं कर सकते, कैन बी रिड्यूस, उसको हम रिड्यूस कर दे या कोई सिस्टम ही चेंज। एक कॉपीड काइजन हम लोगों ने डेवलप किया। कॉपीड काइजन में क्योंकि ज्यादातर देखा गया लोग काइजन करते हैं, हमारी आदत है हम दूसरे में कमी ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कॉपीड काइजन को हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि लोग वहां जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको ला करके अपने आप ही इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कॉपीड काइजन में भी हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं। आप कहेंगे ये जो तमाम सारे नाम आ रहे हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट की बात करें वो क्या है, एक्चुअली ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है। आप ले लीजिए 5S, अरे भाई हाउसकीपिंग में आपको मैन पावर लगता है, मटेरियल लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, मसल पावर लगता है, भगवान ने हमको भेज दिया है, तो 1S 2S 3S हाउसकीपिंग है। हम अपना ब्रेन लगा करके कोशिश करें आपको 1S 2S 3S न करना पड़े, हाउसकीपिंग को टोटली एलिमिनेट कर दे, और ये नहीं कर सकते उसको रिड्यूस कर दे, जो भी सिस्टम डेवलप करे उसको स्टेबलाइज कर दे, वो चौथा एस हो गया, और उसको फॉलो अप करेंगे पांचवा एस हो गया, तो 5S सॉल्यूशन फॉर हाउसकीपिंग। वेस्ट कंट्रोल SMED सेटअप और एडजस्टमेंट टाइप को कैसे इंप्रूव करें, पोकायोके मिस्टेक प्रूफ सिस्टम कैसे बनाएं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की, कॉस्ट रिडक्शन, सिक्स सिग्मा जिसमें हम डिफेक्ट और वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं, जस्ट इन टाइम जिसमें हमने इन्वेंटरी कंट्रोल की बात करी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बेंचमार्किंग, सारे प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट टाइप के। अभी आप देखिए काइजन दो भागों में बांट सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअली हम अपने कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने घर में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सोसाइटी में ला सकते हैं, फैमिली में ला सकते हैं, गांव में ला सकते हैं। ये जो ग्रुप काइजन है इन दो भागों में, एक स्ट्रक्चर एक अनस्ट्रक्चर। मैनेजमेंट ने कोई थीम दिया है, किसी ने आपस में मिल करके ग्रुप बनाया और उसको कर लिया, मैनेजमेंट को बताया अनस्ट्रक्चर काइजन। लेकिन स्पेसिफिकली खास तौर से एक ग्रुप बनाया जाए, उसको प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप इसको हल करें, वो स्ट्रक्चर का है। ये स्ट्रक्चर का है दो तरीके का, ग्रासरूट लेवल पर और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर। सीनियर और मैनेजमेंट लेवल पर जितने लोग रखे गए हैं वो तो रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व टूल्स एंड टेक्निक सीख जाए और जो सिस्टम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम का उसको फॉलो करे, तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो ज्यादा बेटर सॉल्व होगी, जल्दी सॉल्व होगी, उसका सॉल्यूशंस बेटर आएंगे अंडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ज्यादा ग्रास रूट लेवल की बात है, क्योंकि अभी तक हमने उनको कभी इन्वॉल्व नहीं किया था, तो पहला काम है उनको डेवलप करो, फिर उनको बोलो प्रॉब्लम सॉल्व करें,
डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी सर्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लीन क्वालिटी सर्किल। तो भी आप देखिए क्वालिटी सर्किल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप नहीं है। हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्यों सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर अपनी सिंपल प्रॉब्लम को लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो एप्लीकेशन जितने टूल्स एंड टेक्निक है उनका सीख सके। तो यहां पर एक पहले डिफिनेशन हुआ करती थी 1995 के बाद जो चेंज हुआ, स्मॉल ग्रुप, पहले कहते थे कम से कम 5 या 15, लेकिन अभी नहीं, अभी स्मॉल ग्रुप छोटा ग्रुप, पहले स्वेच्छा से आने की बात कर रहे थे, अभी ऑटोनोमसली एडमिनिस्टर की बात कर रहे हैं। आप पहले उनको बताइए उनके अंदर से आत्मा से आना चाहिए, और जब वो टीम बनाते हैं शामिल होते हैं, और अल्टीमेटली जो मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी सर्किल का, सेल्फ डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट, और इससे उनकी कैपेबिलिटी का विकास होता है, उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो हमारा ग्राहक है, और सोशल कंट्रीब्यूशन में उनको एक नई सोच उत्पन्न होती। मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने कहा कि अपने को जो CWQC या TQMR उसका इक्विवेलेंट आपको चालू करना पड़ेगा, और इसमें सब लोगों को लगना होगा, जिससे कि हम जो रियल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और वर्क प्लेस यूटिलाइजेशन है उसको बेहतर बना सके, ऑपरेशन संस्थान को आगे ले जा सके। यहां तक मोटिवेशनल थ्योरी की बात है, आप जानते हैं मैस्लोज हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी, बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, उसका सेफ्टी नीड, और ज्यादातर संस्थान में जब ये पूरा हो जाता है तो आदमी क्या चाहता है, लोग मेरे को जाने, सोशल नीड। और ये क्वालिटी सर्किल हो चाहे लीड क्वालिटी सर्किल हो चाहे क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम हो, ये नीड उसको सेटिस्फाई कर। फिर उसके बाद उनके मन में आता है कि लोग मेरे को माने, यानी वो नंबर वन पे है कंपटीशन। आज आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्यों, आप चाहते हैं कि आपके अधिक से अधिक नंबर आए, आपकी टीम पार एक्सलेंस आए, इंटरनेशनल में आपको मौका मिले, ये सब क्या है, इगोरिस्टिक नीड। और ये सब करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप इतने रम जाते हैं कि आपको एक इस तरह के ग्रुप में बैठ करके जब डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक सुखद अनुभूत होती है, और उसमें जो आनंद आता है वो इस बात को बताता है कि शायद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। मैक्ग्रेगर थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी, इसमें वाई थ्योरी क्वालिटी सर्किल और जितने भी लीन क्वालिटी सर्किल या क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम है उसको सेटिस्फाई करती है। यहां तक पैट्रिक हर्ट्ज़बर्ग जिन्होंने कहा था कि दो तरह के फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर और इफेक्टिव मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन न होने पर ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर जरूर है। अच्छा तक इफेक्टिव मोटिवेशन की बात है, ये चैलेंजिंग वर्क जब लोगों को दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है और उसको अचीव कर लेते हैं तो उनका एक अंदर से खुशी आती है जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, और यदि उसको मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज कर देता है तो सोने में सुहागा की बात हो जाती है, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है उन सब लोगों के। जहां तक क्वालिटी सर्किल में स्ट्रक्चर की बात है, जो लोग क्वालिटी सर्किल में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो पोटेंशियल मेंबर है, जो मेंबर्स है वो अपना लीडर और डिप्टी लीडर चुनते हैं, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो कोई ना कोई उसको चेयर करना चाहिए। 6 महीने बाद डिप्टी लीडर लीडर बन जाता है, लीडर एक्स लीडर बन जाता है, और कोई एक डिप्टी लीडर चुन लिया जाता है, और इस तरीके से हर एक को मौका मिलता है लीडरशिप डेवलप करने का। फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर मैनेजमेंट नॉमिनेट करती है,
जितने भी एपेक्स लेवल पे सीनियर एचओडीज हैं, ये सब स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। आपको मालूम है स्टीयरिंग की इंपॉर्टेंस, जब गाड़ी से स्टीयरिंग निकाल दो तो क्या हालत होगी। यहां पर भी रेगुलर मीटिंग स्टीयरिंग कमेटी करती है, एक्टिविटीज को देख रही है, उस पर करेक्टिव एक्शन ले रही है। तो पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज या जितनी भी एक्टिविटीज है क्वालिटी कॉन्सेप्ट की बराबर चलती रहती है। टॉप मैनेजमेंट का बिना आशीर्वाद के तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे ऊपर से नीचे तक सबसे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट होता है, और वो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, जिसे जरूरत हो वो उस ढंग से उसको डिप्यूट करता है। निर्भर करता है कितने क्वार्टर चल रही है। मल्टी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सब जगह सिस्टम एक जैसा हो, इसलिए कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्वार्टर सर्किल सप्ताह में एक दिन एक घंटे के लिए मिलते हैं, कई जगह देखा है वो 15 दिन में एक बार मिलते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस एक चौथाई रह जाती है। जो महीने में एक बार मिलते हैं, इशिकावा जी ने कहा है वो स्लीपिंग सर्कल्स है। पार्टी सर्किल का एक अपना रजिस्टर है, उसमें मीटिंग मिनट्स, उसमें अटेंडेंस भी होती है, जो लोग आते हैं सिग्नेचर करते हैं, जो नहीं आए हैं छुट्टी पर है उनको लीव, लेकिन ड्यूटी पे आए हैं मीटिंग में नहीं आए हैं तो ए मार्क किया जाता है। और यदि मैनेजमेंट ने कहीं उनको बाहर या ट्रेनिंग में भेज दिया है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे, उनको ड्यूटी या डी मार्क कर दिया जाता है। अटेंडेंस फैसिलिटेटर, डिप्टी फैसिलिटेटर की भी होगी। मीटिंग मिनट्स हर मीटिंग के बाद एचओडी के पास जाना चाहिए और एचओडी उसको साइन करेगा। यहां पर मीटिंग मिनट्स में फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर को भी साइन करना है, लीडर को भी साइन करना है। फैसिलिटेटर डिप्टी फैसिलिटेटर का जो सिग्नेचर है वो ये नहीं बताता है कि उन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, वो तो सिग्नेचर अटेंडेंस पेज में ही सिग्नेचर होने पे होगा। यहां पर ये बताता है कि आपने मीटिंग मिनट्स पढ़ा है। यदि आप 15 दिन में छुट्टी पर है, लौट के आए हैं, तो फैसिलिटेटर या डिप्टी फैसिलिटेटर चाहिए कि मीटिंग मिनट्स को पढ़े और उसमें सिग्नेचर। जहां तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप की बात है, थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, कम से कम साल में एक बार जरूर उसमें, क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी नई प्रॉब्लम जुड़ भी जाती है। तो जितनी अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो कम से कम 50 होने पर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। जहां तक सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम की बात है, हम लोग रैंकिंग मेथड या प्रायोरिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं, जब क्वालिटी सर्कल टीम में 6 मेंबर है तो 6 पहले ए है तो ए टाइप की, देन बी में, फिर सी में जाएंगे। पहले 6 प्रॉब्लम ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले सारी ए टाइप की प्रॉब्लम को पढ़ी जाती है, जिसका इंस्टेंट सोल्यूशन समझ में आ जाता है उसको ए आब्लिक के मार्क कर दिया जाता है। और ऐसे में जो ए आब्लिक के है वो सीधे स्टेप नंबर 9 पे चले जाते हैं, जो उसका सोल्यूशन को मालूम है। जो रिमेनिंग ए टाइप का सोल्यूशन है, ए टाइप के प्रॉब्लम्स है, उनको पढ़ा जाता है। हर कोई एक एक प्रॉब्लम चुनता है, 6 लोग हैं, ये सबने अलग अलग प्रॉब्लम चुनी है, तो 6 भी हो सकते हैं, दो नहीं मिला तो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, तो मैक्सिमम 6। अब उनकी प्रायोरिटी हो जाए, प्रायोरिटी के बेस पर जो भी रैंकिंग आई है, जो भी प्रायोरिटी आई है, ये भी 6 के 6 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तभी हम फिर दोबारा वही एक्सरसाइज करके दूसरी 6 प्रॉब्लम या 5 प्रॉब्लम जैसी भी आती है उनको लेते हैं। एक बार प्रॉब्लम चुन लिया, हम उसका माइलस्टोन चार्ट बनाते हैं और रजिस्टर करवाते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। एक बार जब रजिस्टर हो गया तो हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम। लेकिन माइलस्टोन चार्ट हम दिखाते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम, उसके जो मार्क्स मिलेंगे वो यहां पर मिल रहे हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम में अब अपने प्रोसेस के बारे में बताते हैं,
चाहे हाई लेवल के माध्यम से चाहे पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं और उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम में ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि एनालिसिस तो 5W1H है, लेकिन 1W हम पांचवें स्टेप में भेज दे रहे हैं। वाय क्यों? तो बाकी बचे 4W1H, कब क्यों कहां कैसे किस लिए कितना क्यों हमने पांचवें स्टेप में भेज दिया। यहां पर कुछ लोग लिखना शुरू करते थे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कहां है, यहां है। अरे भाई ये एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डिफाइन द प्रॉब्लम सब बता चुके हो। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में आपको बताना है प्रॉब्लम कब कब आती है, कहां कहां आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितनी कितनी प्रॉब्लम आती है। अगर ये प्रॉब्लम आती है आप हल करते हो तो कितना मैन पावर लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कितना समय लगता है, अगले डिपार्टमेंट को क्या लॉस होता है, पिछले डिपार्टमेंट को क्या लॉस होता है, आपको क्या लॉस होता है, क्वालिटी भी क्या लॉस होता है, कितना वेस्टेज होता है, ये सारे डेटा चाहिए। यहां तक फाइंड आउट कॉजेस, हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, कॉजेस सब कॉजेस सब सब कॉजेस, जो लास्ट वाला है उसको राउंड अप कर देते हैं और उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। यह है प्रोबेबल रूट कॉज, प्रोबेबल रूट कॉज। छठे स्टेप में हम ये प्रोबेबल रूट कॉजेस जो है उनको वैलिडेट करते हैं कि कौन सा इसमें इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए चार प्रोबेबल रूट कॉज इस समय इफेक्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इनमें कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, हमको डेटा एनालाइज करना। पास डेटा है उसे एनालाइज कर लो, नया डेटा ले सकते हो नया डेटा ले लो, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है तब फिर जो लोग उससे कनेक्टेड है ओपिनियन पोल लेनी होगी। अभी आपको मालूम पड़ गया इसमें कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, पैरेटो डायग्राम बनाया, तो जो सबसे बड़ा कारण है पहले उस पर अटैक करेंगे, फिर सेकेंड फिर थर्ड, करना सभी को है। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन, हम सोल्यूशन डेवलप करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, और जो भी सोल्यूशन निकल करके आए हम जब उसको तय कर लिया इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सबकी सहमत हो गई, हम ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई विरोध तो नहीं आएगा, और यदि कोई विरोध आया तो हमें उसमें क्या करना होगा। ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें पीडीसीए रेलवे में प्लान, कौन सा इक्विपमेंट लेने जा रहे हो, कौन सा प्रोसेस लेने जा रहे हो, कौन मटेरियल लाएगा, कौन उसको लगाएगा, कौन उसको सेट करेगा, कौन इसकी रीडिंग लेगा, कौन अगली शिफ्ट में डिफरेंट शिफ्ट में लोगों को गाइड करेगा, और ये कोई गड़बड़ होता है तो वो लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सारा कुछ। देन डू, देखो जो लोग करने वाले हैं उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, अदरवाइज उनको एजुकेट करो, उनको ट्रेन दो, उनको करने दो, इसके बाद उनको चेक करना है। और जब आपने देख लिया परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है तो आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट कीजिए अप्रूवल। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि आप बराबर परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं तो मीटिंग में क्या करेंगे, मीटिंग में थोड़ी चेक कर रहे हैं, मीटिंग में तो हमने क्या आउटकम निकला थोड़ी देर डिस्कस किया फिर क्या करेंगे। इसीलिए इसी स्टेप पर जब ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन में हम लगा देते हैं परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, इसी स्टेज में हम अगले प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन बेशक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन फैसिलिटेटर के माध्यम से एक टोटल प्लान बन जाता है कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और हम लोग बराबर देखते रहे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फॉलोअप एंड रिव्यू इसको बराबर बनाए रखने के लिए हमें क्या चेकलिस्ट लेनी होगी, क्या डेटा लेने होंगे, क्या ग्राफ बनाना होगा, हिस्टोग्राम कंट्रोल चार्ट, क्या क्या चीजें बनानी है वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो पहली स्टेप्स है ये खाली क्वालिटी सर्कल के लिए नहीं, क्वालिटी सर्कल लर्निंग के लिए हम 12-12 स्टेप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी स्टेप इसमें ऐसा नहीं है जिसको कि आप डिलीट कर सकते, आपस में इंटीग्रेट कर सकते। जो हम आगे हमने किया है आगे आपको बताएंगे। जहां तक सस्टेनेबल क्वालिटी सर्कल की बात है, जो मैनेजमेंट के थ्री डायमेंशन है, लिसनिंग
से वो लोग सुने, केयर करे, टीचिंग गाइड करे, फैसिलिटेटिंग टाइम टू टाइम जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते रहे, पार्टिसिपेट एक्टिविटीज बराबर चलती रहेगी। कहते स्लो एंड स्टडी विद द रेस, बहुत लंबे समय तक कहते रहे ये अब ये नहीं चलेगा, और इसीलिए हम लोगों ने लीन क्वालिटी सर्किल को 2010 में स्टार्ट किया। लीन क्वालिटी सर्किल जब डेवलप किया उसके बाद से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफी लोग अभी लीन क्वालिटी सर्किल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें करते क्या है, ऑलरेडी जो लोग ट्रेन है, जिनको मालूम है, जिनको नॉलेज है, नई नॉलेज है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी फर्स्ट लाइन के लोग जो भी प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम दे सकती है, प्रॉब्लम एक्सेप्ट प्रॉब्लम ले सकते हैं, और जिसकी जरूरत हो चाहे वो डिपार्टमेंट का हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का हो उसको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इमीडिएट बॉस, फैसिलिटेटर कम प्रोजेक्ट ओनर के रूप में रहेंगे, यानी मिनिमम तीन लोगों की जगह स्मॉल ग्रुप तीन लोगों का, तीन में एक फैसिलिटेटर कम प्रोजेक्ट ओनर, एक जिसने प्रोजेक्ट लिया है, एक जो प्रोजेक्ट मदद करने जाए, जरूरत पड़ेगी हम चार भी हो सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सिस्टम है जिसके माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसमें खास बात यह है क्योंकि हम दूसरे डिपार्टमेंट को भी मेंबर बनाते हैं, उसमें शामिल करते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रोसेस को भी समझने की बात आती है, एक नई लर्निंग आती है। अभी तक महसूस किया गया कि कभी कभी प्रोजेक्ट सेफ्टी के ले लेते थे क्योंकि एक्सक्लूसिव इसके बारे में नहीं सोच रहे। एक्सक्लूसिव सोचने के लिए हमने लीन सेफ्टी सर्किल को डेवलप किया पिछले चार महीने पहले से। यह भी एक क्रॉस फंक्शनल टीम है टास्क परफॉर्मेंस की। जब सब लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें निकल के आती है, और उसके आधार पर लीन सेफ्टी सर्कल के माध्यम से हम उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट की। ये सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम है। इस तरीके से आप देखिए कि लीन क्वालिटी सर्कल, लीन सेफ्टी सर्कल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम से हमने टोटल एम्प्लॉइज को इसमें शामिल कर लिया है। ग्रास रूट पहले केवल सीनियर और मिडिल लेवल पर ही प्रॉब्लम सॉल्व की बात सोचते थे, लेकिन वो भी सिस्टमेटिक वे में नहीं। अब एक सिस्टमेटिक वे मिल गया जिसके माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को लेकर के उसको हल कर सकते हैं। जैसा अभी आपको बताया, इन तीनों में सिस्टम एक जैसा चलता है, प्रॉब्लम हम इंस्टेंट भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम दे सकती, प्रॉब्लम बैंक से भी ले सकते हैं। इवन क्वालिटी सर्किल के लोग प्रॉब्लम जब लेंगे पहले ए टाइप की लेंगे, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, लेकिन वही क्वालिटी सर्किल के लोग चाहें तो अंडर लीन क्वालिटी सर्कल, फिर क्वालिटी सर्कल वो प्रोजेक्ट नहीं, लीन क्वालिटी सर्कल के माध्यम से वो बी और सी टाइप की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम जो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं की है, इंस्टेंट आ गई है, वो लेना चाहते हैं तो वो टीम भी ले सकती है। बस ये मेंशन कर दे कि हमने इसको अंडर लीन क्वालिटी सर्कल लिया है, क्योंकि इंस्टेंट प्रॉब्लम लोग नहीं ले सकते, लेकिन अंडर लीन क्वालिटी सर्कल की टीम भी उसको ले सकती है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं दे सकती क्वालिटी सर्कल को, लेकिन अंडर लीन क्वालिटी सर्कल ये संभव है। तो प्रॉब्लम बैंक जो है उससे भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो एलक्यूसी, एलएससी एंड क्यूआईटी के लिए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से है, और जो एक्सेप्ट करता है कि मैं ले रहा हूं प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट लीडर, उसका जो बॉस फैसिलिटेटर कम प्रोजेक्ट ओनर, मेंबर सेम वर्क एरिया का हो सकता है, मेंबर दूसरे एरिया का भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जैसी प्रोजेक्ट की डिमांड है उसके हिसाब से मेंबर होंगे। मीटिंग्स पार्टी सर्कल की तरह हफ्ते में एक दिन एक घंटे वो लर्निंग के लिए, लेकिन ये जो मीटिंग है ये कोई स्पेसिफिक मीटिंग नहीं, जहां प्रॉब्लम है ग्रुप जाता है वहां पर बैठ के डिस्कस करता है, देखता है, दो मिनट भी लग सकते हैं, दस मिनट भी लग सकते हैं, दिन में जरूरत पड़े चार बार, पांच बार, छह बार आप मिल सकते हो, आप फोन से बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, और जो सलूशन है
कई बार देखा है को एक दो घंटे में भी आ जाए, एक दिन में आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, एक महीने में आ जाए। जहां तक इसमें केसेस रिप्रेजेंटेशन की बात है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम ले ली, मैनेजमेंट ने दे दी, स्टेप प्रॉब्लम ले ली, तो पहले दो स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के 12 स्टेप करते चले गए। तो थर्ड स्टेप डिफाइन सेम जैसा कि हमने उसमें बताया। सेकेंड मेजर, जहां एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम है, एक्चुअली वी आर मेजरिंग, तभी कहा ना उसमें डेटा चाहिए। स्टेप नंबर 4 द सेम एनालाइज। अब आप देखिए क्वालिटी सर्किल में आपको तीनों स्टेप करने हैं लर्निंग के लिए, लेकिन यहां पर यदि केवल वाई 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 से काम चल गया और रूट कॉज निकल आया तो कॉजल इफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कॉजल इफेक्ट डायग्राम बनाया, प्रॉपर रूट कॉज निकाले, वैलिडेट किया और केवल एक ही या दो प्रॉब्लम निकल करके आए, कारण निकल के आए, तो आपको डेटा एनालिसिस यानी पैरेटो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट, बेशक आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचते भी हैं, आप आपस में भी डिस्कस करेंगे कि इसको लगाएंगे तो क्या विरोध आ सकता है, लेकिन ये सब यहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाने का पार्ट नहीं है, पार्टी सर्कल में जरूरी है क्योंकि वो लर्निंग के लिए, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ आपको सीधे सीधे ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, ट्रायल के समय आपके क्या रिजल्ट्स आए, मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया और उसके बाद रेगुलर रूप में अब तक आप क्या कर पाए हैं उसको दिखाएंगे। और जहां तक कंट्रोल, स्टेप 12 एज यूजुअल फॉलोअप एंड रिव्यू जो था, यहाँ कंट्रोल, ये 5 डीमैक मेथड से हम लीन क्वालिटी सर्किल हो, लीन सेफ्टी सर्किल हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम हो, बेसिक लीन क्वालिटी सर्किल, लीन सेफ्टी सर्किल में सिंपल टूल्स एंड टेक्निक, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम में थोड़े क्योंकि वो सीनियर लोग हैं तो बड़े टूल्स एंड टेक्निक का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, आप देखिए कोई खत्म नहीं होगा बट इंटीग्रेट कर देते हैं। किसी भी संस्थान में हम कहते हैं यदि क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करना है, स्टार्ट कीजिए 5S। आज हम एक अभियान लेकर के चले स्वच्छ भारत की, झाड़ू लगाने से एक बार कूड़ा हमने इधर कर दिया फिर वापस आ गया वो काम नहीं करेगा, हमें 5S सिस्टम को समझना पड़ेगा। और ये 5S सिस्टम एक जो साइंटिफिक विचारधारा है जिससे कि हम इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या है आप सब जानते हैं, फिर भी एक हम रिपीट कर रहे हैं। पहला है सीरी, रीऑर्गेनाइज करना है उसके लिए सॉर्ट आउट करो अनवांटेड और वांटेड। जो वांटेड आइटम्स हैं हमें उनको रखना है। सेकंड सेट ऑन नीटनेस, नीटनेस कहता है प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज प्लेस, हर एक की एक जगह, हर चीज अपनी जगह। अब आप देखिए हम लोग साल में घर में भी एक बार या दो बार, इंडस्ट्री में भी, अपने डिपार्टमेंट भी एक्सक्लूसिवली 1:2 करते हैं, लेकिन डे टू डे में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड एस सेसो क्लीनिंग। जब हम सफाई करते हैं तो क्या मिलता है, अनावश्यक और आवश्यक सामान, अनावश्यक बाहर कर देते हैं, आवश्यक सामान को कायदे से रख देते हैं, यानी थर्ड एस 1S और 2S का कॉम्बिनेशन। जब हम सफाई कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम इसको निकालना है या रखना है। लेकिन ये तीन की तीनों चीजें हाउसकीपिंग, जैसे हमने पहले कहा इसमें अपने को मैन पावर लगता है, मटेरियल लगता है, पैसा लगता है, समय लगता है, मसल पावर लगती है, लेकिन भगवान ने हमको ब्रेन दिया है, हमने ये सारे कंसेप्ट को सीखा हुआ है, सेफ्टी सर्कल एक्सेट्रा, अरे भाई इनको अप्लाई कीजिए ना और देखिए हमें 1S 2S 3S करना ही ना पड़े, या
उसमें जितना हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, हम उससे बहुत कम एफर्ट से ही उसको मेंटेन कर सके, ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें और उसको एक्सटर्नलाइज कर दें और उसमें विजुअल मैनेजमेंट डेवलप करें, जिसे देख के लोगों को मालूम पड़ जाए ऐसा ही है क्या गलत है। जिन लोगों ने किया है अभी उसका पालन भी करना होगा। तो फिफ्थ है सिंस टू गेट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो सिस्टम आपने डेवलप किया है आप उसका पालन करें। और कहते हैं 21 टाइम्स, 21 बार याद आप उसको पालन करते हैं तो आपकी आदत भी आ जाएगा। साथियों, जापान ने जब सेरी से ट्रांसेस के ये चांस की बात थी, सब एस 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 से हो, लेकिन आज हमारे बहुत सारे शिक्षकगण ट्रेनर्स ये दिखाने के लिए कि अंग्रेजी में हम एस 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 कर सकते हैं, हिंदी में भी सा कर सकते हैं, पूरे उसके मीनिंग को बदल दिया। बड़ा दुख होता है जब उसको देखते हैं गूगल में भी, क्योंकि जो डाल दिया तो लोग उसको देखते हैं, समझते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे भाई मीनिंग बदल जा रही है। आप देखिए ना, सियरी साटो छाटो, अरे क्या छाटो, इसमें स्पेसिफिक है अनवांटेड एंड वांटेड। लेकिन साटो जब लिखेंगे तो उसमें तो अच्छा बुरा भी छाट सकते हो, छोटा बड़ा छाट सकते हो, सफेद और रंगीन भी छाट सकते हो, तो इस तरीके से पुराना नया छाट सकते हो। क्या छाटने जा रहे हो? यदि किसी को बोलो सामान रख करके छाटो, बेचारा क्या छाटे? नीटनेस, सेट इन ऑर्डर, सब सामान रख दिया, चलो सेट इन ऑर्डर, किस ऑर्डर पे लगाओगे? छोटे से बड़े क्रम में लगाओगे? दो बड़ा एक छोटा, एक बड़ा दो छोटा लगाओगे? कैसे लगाओगे? कलर वाइज लगाओगे, साइज वाइज लगाओगे? अरे भाई नीटनेस कहता है फंक्शनली स्टोरेज। हमारे तीन कैटेगरी में फ्रिक्वेंटली यूज आइटम जो बार बार जरूरत पड़ती है एक जगह रखो, जो नॉर्मली जरूरत पड़ती है उसको दूसरी जगह रखो, जो रेयरली जरूरत पड़ती है उनको लेबल लगा के दूसरी जगह रखो। भारी आइटम, हल्के आइटम निकालने में रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो क्लीनिंग, या जब शुरू शुरू में 5S स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली वो क्लीनिंग में मशीन पर ही ज्यादा कंसंट्रेशन था। मशीन को क्लीन चमकना चाहिए, शाइन आनी चाहिए। ये आज इन जनरल जब हम ले रहे, क्लीनिंग इज नॉट शाइनिंग, क्लीनिंग जैसे हमने आपको बताया ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। शाइनिंग दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जस्ट कल्पना कीजिए आपका कार क्षेत्र बिल्कुल चमक रहा है, सामान जितने भी है वो भी सब बिल्कुल चमक रहे, बिल्कुल साफ है, लेकिन सब स्कैटर्ड वे में रखे हुए, इसको 5S बोलेंगे क्या? और ईमानदारी की बात ये है कि ऊपर के जरा तीनों स्टेप देखो। पहले मैम साल्ट आउट की बात कर रहे हैं, दूसरे मैम क्या कर रहे हैं? जो काम का सामान है फ्रिक्वेंटली यूज जाता है उसको अलग करो, रेयरली यूज है उसको अलग करो, नॉर्मल यूज को अलग करो, भारी सामान नीचे हल्का सामान ऊपर, तो इन सबको तो सॉर्ट आउट ही कर रहे हो आप। क्लीनिंग में क्या कर रहे हो? जो क्लीनिंग के समय पर काम का सामान है अलग कर दो, बिना काम का ना भी सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो सभी जगह ऊपर तीनों स्टेप तो सॉर्ट आउट कर रहे हो, सभी लिए तो सॉर्ट आउट वन, सॉर्ट आउट टू, सॉर्ट आउट थ्री, एस 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 आ जाएगा। अब देखो सेरी सेटान सेसो के बाद सिकेसु, क्योंकि उसका मीनिंग स्टैंडर्डाइजेशन है और वो एस से शुरू होता है, तो किसी ने भी उसको बदलने की कोशिश नहीं करी। लेकिन शिशु के डिसिप्लिन कुछ लोगों ने लिख दिया सेल्फ डिसिप्लिन, एस से शुरू हो रहा है ना। अरे भाई 10 लोग हैं, एक ने कहा सेल्फ डिसिप्लिन हम, लेकिन बाकी लोग नहीं मान रहे, तब ना सबको मानना पड़ेगा। ये ग्रुप ने मिलकर तय किया है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो सस्टेनेंस है वो तो इसका आउटकम है। डिसिप्लिन का मतलब ही है कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया हम उसका पालन। जागृति ग्रुप ये हमने डेवलप किया था एक उद्देश्य के साथ कि लोगों के अंदर एक हाइजीन के प्रति अवेयरनेस आए, एक कल्चरल चेंज आए और पर्सनल हाइजीन में भी
परिवर्तन है। किसी भी संस्थान में यह संख्या ज्यादा है तो 10% लोगों को जागृति ग्रुप का मेंबर एक महीने के लिए बनाते हैं, संख्या कम है तो 20% लोगों को 2 महीने के लिए जागृति ग्रुप का मेंबर बनाते हैं। ये जागृति ग्रुप का मेंबर अपना काम करते रहते हैं लेकिन इसके साथ साथ वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी को भी टॉप टू बॉटम टोक सकते हैं। हफ्ते में एक दिन गेट में लोगों के नाखून भी चेक करते हैं, कैंटीन में भी जाके लोग कैसे खाना खा रहे हैं चेक करते हैं। और इस तरीके से ये जो कल्चरल चेंज है, कई बार लोग कहते हैं कि इनके टोकने से क्या सुधार आ जाएगा, हार्डली। लेकिन एक बात पक्की है, ये जब दूसरों को टोक रहे हैं तो कम से कम इनके अंदर सुधार जरूर आ जाएगा। और 10 महीने के अंदर जब 100% लोग कवर हो गए, हम नहीं कहते 100% में सुधार आ जाएगा, लेकिन 30-40-50% में सुधार आ गया, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि आप केवल संस्थान में लागू कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट लागू कर रहे हैं, आप अपने बॉस के अपने मैनेजमेंट के प्रेशर से कर रहे हैं, लेकिन यदि रियली 5S आपके ब्लड में आ गया है तो हम देख सकते हैं कि आपने उसको अपने घर में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम जहां भी, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, शॉप्स हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रूरल सेक्टर, IT, सिक्योरिटी, हमने सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट किया है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 5S इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और इससे जो सबसे बड़ा हेल्प मिलता है, जो 3 M's की बात करते हैं, बुढ़ा वेस्ट, बुरी ओवरबर्डन एंड बुरा अनइवेननेस। 5S जब इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें सिंपल सा रजिस्टर है जो 2 साल चलता है, पतला सा, उसे 5 चीजें हैं। हर सब जोन में जितने भी लोग हैं सबको एक जिम्मेदारी दी जाती है। हर कोई अपने वर्क एरिया का जिम्मेदार होता है, प्लस उसको कुछ कोई कॉमन एरिया या नो मैन्स लैंड दिया जाता है। इस तरीके से टोटल एम्प्लॉई और टोटल वर्क एरिया कवर हो जाता है। हर कोई अपने एरिया की एक माइक्रो चेकलिस्ट बनाता है, गिवन एरिया की माइक्रो चेकलिस्ट बनाता है, गिवन एरिया में हिडन एरिया की लिस्ट बनाता है और अपने एरिया में हिडन एरिया की लिस्ट बनाता है। ये सब हाथ से लिखते हैं। रिजल्ट क्या होता है वो उनके ब्रेन में लिख जाता है। और जब वो आते हैं अपने उस अपने ही एरिया में, जहां भी एबनॉर्मलिटी होगी, ब्रेन तुरंत उसको रीड कर लेता है और इन्फॉर्म करता है, देखो यहां पर गड़बड़ है। और धीरे धीरे लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ने लग जाती है। ऑडिट सीट, जिसके माध्यम से वो लोग सेल्फ ऑडिट करते हैं, जो कमियां आती है उस पर एक्शन लेने की बात होती है। एक हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस डेवलप करनी होती है और महीने में एक बार मीटिंग करके जस्ट बुलेट पॉइंट मीटिंग मिनट्स में डाल देते हैं। तो सेल्फ ऑडिट ऑलरेडी हमने बुक में 40 पॉइंट ये प्लान के 40 पॉइंट ऑफिस के दिए हुए हैं। जब दोनों को कंबाइन करेंगे करीब 60 के लगभग पॉइंट आ जाते हैं, बहुत सारे कॉमन है। जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट आपके यहाँ एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल है आप उसको ले लीजिए, जो एडिशनल जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ देते हैं, लेकिन मिनिमम 30 चेक पॉइंट जरूर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टोटल एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करें। इसमें पहले लीडर एक व्यक्ति को लेकर के जाता है ऑडिट के लिए, फिर वो गाइड करता है जिसने ऑडिट किया है, अगले हफ्ते दूसरा व्यक्ति जाएगा, और जो व्यक्ति जाएगा उसको जिस दिन ऑडिट हुआ उसी दिन बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते आपको जाना है, क्योंकि अपना ही वर्क एरिया है तो पूरे एक हफ्ते तक आग नहीं रखेगा, वो अपने एरिया को बड़े ध्यान से देखता है। रिजल्ट ऑब्जर्वेशन पावर पर फिर एक एक पॉइंट में जाता है और हम उसको कहते हैं आप मार्क्स दीजिए, और 4-5 में 4.9 भी दिया है, 0.1 क्यों काटा रिमार्क, 5 में 5 देंगे तो लीडर वापस आता है उस एरिया को देखने के लिए। कोई नहीं चाहता कि उसका बॉस फिर वापस आए, तो कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है और इसी से उसकी ऑब्जर्वेशन पावर और बढ़ती है। अब जो उसने कमियां बताई हैं, मैनेजमेंट जब उसको हल करा देता है उसको एक खुशी भी होती है,
और बाई चांस कोई इसको गड़बड़ करने की कोशिश करे तो तुरंत भाग कर कहता है क्यों इसको ऐसा कर रहे हो, यानी उसके अंदर ओनरशिप आ जाती है। यहां तक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बात है, महीने में 4 ऑडिट हुए, 30 पॉइंट भी हैं, 120 कमियां निकल करके आई हैं, बहुत सारे कॉमन हो सकती है, मान ली 50-60 भी हैं। हम नहीं कहते कि 50-60 का सलूशन निकला है, लेकिन 50-60 में से एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस करने पे कम से कम 8-10 के सलूशन तो पक्का निकल आएंगे, और इंप्लीमेंट करने में आप 50% फेल भी हो गए तो कम से कम 5 का परमानेंट सलूशन निकल आया जिसमें आपको सफलता मिल गई। और इसीलिए कहते हैं कि हर महीने 5 स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डेवलप करो। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपके काम को सरल करेगी, समय को बचाएगी और अल्टीमेटली हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट ऑडिट, इसके माध्यम से आप मैनेजमेंट के लोगों को खाली ऑडिट ही नहीं करते, मैनेजमेंट के लोग एक दूसरे से लर्न करते हैं, जाते हैं स्टूडियो देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या गैप है, बोलते नहीं है लेकिन वो महसूस करते हैं और जाके अपने यहाँ चेंज कराते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट में जो कोऑर्डिनेटर, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका काम है कि जो ऑडिटर्स हैं उनको इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में समझाए, 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। मार्क्स देंगे, लेकिन जो रिमार्क है, रिमार्क की जगह हमने रिमार्क कोड डाला हुआ है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, यहाँ पर आप R1, R2, R3, R4 डाल दीजिए। सिस्टम ऑफ ऑडिट में बड़ा सिंपल है, सिस्टम ऑफ ऑडिट में भाई कितने मार्क्स दिए, कोऑर्डिनेटर ने पूछा, उन्होंने कहा भाई 3.8, तो 1.2 क्यों काटे, ये गड़बड़ R1 के अगेंस्ट में वो तीनों गड़बड़ी नोट कर। इसी तरीके से हर एक में ये लोग मार्क्स देंगे, ये 5 में 5 मार्क्स दे देते हैं, तब कोऑर्डिनेटर का रोल आ जाता है, वो देख करके बताए कि देखिए ये गड़बड़ है, आप 5 में 5 क्यों दे रहे हैं। और अल्टीमेटली कम नंबर दिए तो रीजन उन्हीं को बताना है और लिखना है कोऑर्डिनेटर को। हर महीने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, और उस मीटिंग में 3 मिनट का प्रेजेंटेशन है छोटी द्वारा जोन वाइज, लास्ट मंथ में क्या क्या परिवर्तन हुए, पीवी पहले ये था, ऐसा किया, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। नेक्स्ट मंथ में हमारा ये प्लान है और मैनेजमेंट से उनको क्या मदद की जरूरत है, 3 मिनट का प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहां तक प्री एंड फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट है, उसके लिए एक सेपरेट टीम है। जब कॉन्फिडेंस आ गया तब ये टीम बुलाई जाती है, ये लोग जाते हैं, देखते हैं, या प्री सर्टिफिकेशन में उनके 70% के ऊपर नंबर आते हैं तब वो फाइनल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं और कमियां जो भी है उनको बता देते हैं। फाइनल सर्टिफिकेशन में 70% या उसके ऊपर मार्क्स आते हैं तो इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्वार्टर सर्कल फॉर ऑफ इंडिया द्वारा। यदि आपके 75% के ऊपर नंबर आए हैं और यूनिट चाहती है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जूसे सर्टिफिकेशन के लिए, तो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो उनको ट्रेड करती है, बता देती है कि और उनको क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट यूसीएफआई हेडक्वार्टर भेजनी है जिससे कि हम उसको फॉरवर्ड कर सके जूसे जापान के। वो उनकी एसेस करते हैं टीम, और यदि वो समझती है कि ये ठीक है तो इस तरीके का सर्टिफिकेट भेजती है क्वार्टर सर्कल फॉर ऑफ इंडिया ज्वाइंटली विद यूनियन ऑफ जापानी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स सर्टिफाइड दैट, कंपनी का नाम नीचे उनके मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा सिग्नेचर, वो हमारे पास आता है, हम उसमें सिग्नेचर करते हैं EDQCFI। सिग्नेचर करने के बाद फिर ये आपके पास उस रिस्पेक्टिव कंपनी के पास भेज देते हैं। एंड व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग डोंट चेंज योर ड्रीम, जस्ट चेंज योर अप्रोच। और यही देखिए TPM में हुआ, जब बहुत सारे क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स की बात आई तो TPM में था टोटल थिंग जो आपके लिए प्रोडक्टिव है आप उसको मेंटेन करें। एक समय था जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप हुआ अमेरिकन्स द्वारा, 60s में जापानीज ने क्या किया,
उसके साथ मेंटेनेंस प्रिवेंशन और करेक्टिव मेंटेनेंस और जोड़ा और ये हो गया प्रोडक्टिव मेंटेनेंस फीचर। 1971 में टास्क परफॉर्मेंस को भी जोड़ा गया, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज को जोड़ा गया और ऑटोनोमस मेंटेनेंस इसको हम बोलते हैं और टीपीएम फीचर आया। गोल जीरो एक्सीडेंट, जीरो पोल्यूशन, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन। इन्होंने जो क्वालिटी को डिफाइन किया, क्वालिटी डिफाइन है रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। ये जो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस है ये टास्क परफॉर्मेंस द्वारा किया जाता है, इनिशियल क्लीनिंग, प्रिवेंटिव मेजर्स और उसके बाद क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन और उसका स्टैंडर्ड सेट करना, जनरल इंस्पेक्शन, ऑटोनॉमस इंस्पेक्शन, एक्सटर्नलाइजेशन then full application of autonomous maintenance means वो operator जो है become the owner of the machine। जहां तक equipment की बात है, हर owner चाहता है कि वो 100% time चले, लेकिन जब ये होता है नहीं, संडे को बंद रहेगा, इस तारीख को ये बंद रहेगा, हर shift में आधा घंटा बंद रहेगा, ऐसा करके यानी चलाने का जो मौका मिला, जो ग्रीन पोर्शन है, रेड हेड आती है, ग्रीन पोर्शन बचा, इसको हम कह सकते हैं लोडिंग टैंक। लेकिन ये जो चलाने का मौका मिला, इसमें कभी कभी मेजर ब्रेकडाउन आ जाता है, कभी कोई क्वालिटी चेंज है, सेटअप एंड एडजस्टमेंट टाइम की बात आ जाती है, और इस तरीके से ये जो लॉस है ये हमारा अवेलेबिलिटी लॉस। चलिए ये जो ग्रीन पोर्शन मिला, चलाने के समय मिला, इसमें भी क्या होता है, बीच बीच में आप देखिए आइलिंग के लिए मशीन बंद की, क्लीनिंग के लिए मशीन बंद कर दिया, मटेरियल वेट कर रहा है, ऑपरेटर का वेट कर रहा है, आगे माल ज्यादा हो गया है, कुछ छोटी सेटिंग चेंज करना है, कुछ छोटे 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 परफॉर्मेंस लॉस। तो जो रिमेनिंग बचा ग्रीन पोर्शन, इसमें ही प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जितना भी प्रोडक्ट आया उसमें भी चेक करते हैं और जो क्वालिटी ठीक नहीं है उसको अलग कर देते हैं और उसके कारण हमारा क्वालिटी लॉस। अब आप देखिए ग्रीन पोर्शन कैसे कम होता चला जा रहा है, तो हमारे ये इफेक्टिवनेस है वो केवल इतनी है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, अवेलेबिलिटी परसेंटेज कितनी रही, परफॉर्मेंस परसेंटेज क्या रहा, क्वालिटी परसेंटेज क्या रहा, और इससे भी मालूम पड़ेगा कि इतना ओईई है, और ये मैनेजमेंट को ये मालूम पड़ेगी ओई 70% है और 1% लॉस बराबर 500,000 रुपए के, तो 30% लॉस 1.5 करोड़ का। इमीडिएटली सोचेगा यार कैसे इसको इंप्रूव करें, कैसे इंप्रूव करें, तो अवेलेबिलिटी परसेंटेज को इंप्रूव करना है। अब एसएमडी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस जो सिंगो नहीं दिया, हम इंटरनल सेटअप को कैसे एक्सटर्नल पे लिया है, जैसे कि हम पहले से उनको करके रेडी रख सके और हम टाइम को रिड्यूस कर सके। ओके, ऐसे सिस्टम डेवलप करो जिससे कि फॉल्ट होने की गुंजाइश ही ना हो, उसके पहले हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम उसको सही कर सके। परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, टाइम मोशन स्टडी, स्नैप स्टडी, दे में भी हेल्प, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो है ग्रुप टाइम टेक्निक स्टडी। ये हमको ये भी बताती है कि किन किन कारणों से मशीनें बंद हो रही है और ऑपरेटर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, जिसके माध्यम से हम ऑटोमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, सेमी ऑटोमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं और करेक्ट एक्शन ले सकते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात है, इसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत है। सिक्स सिग्मा जो कि बिल स्मिथ एंड बॉब गैल्वेन ने 1980 में डेवलप किया, जो इंडिकेट करता है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। सम पीपल ट्राई टू मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, विद अ पर्सन हु ट्राइज टू मेक एवरीथिंग सिंपल। आज बड़ी समस्या होती है जब हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते चीजों को, आदमी देख के समझ जाता है यार है तो बहुत अच्छी, हमारे बस का नहीं है। स्पेशली स्मॉल और मीडियम स्केल में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है।
इतनी सिंपल चीज आप देखिए ना, ईपीएम क्या कह रहा है, टोटल थिंग जो आपको लगता है आपके लिए प्रोडक्टिव है, पहले आप उसको मेंटेन कीजिए। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आप कर सकते हैं आपने कर लिया, लेकिन गड़बड़ होना है कई बार सप्लायर के कारण। सप्लायर को अपडेट कीजिए, सप्लायर को अपना एक अंग बनाइए अपने संस्थान का, और समय समय पर जो कस्टमर है उसकी जो चाह है, जिसकी नीड है, वो बदलती रहती है, हमें उसको भी देखने की जरूरत है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, और तब हम कह सकते हैं कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसको अचीव करने के लिए टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, और उसके साथ साथ टोटल प्रोसेस कंट्रोल और टोटल वेस्टेज कंट्रोल। ये टोटल वेस्टेज कंट्रोल जो हम सामने सामने वेस्टेज देख रहे हैं वो नहीं, बहुत सारे इतने हिडन वेस्टेज हैं कि आप सरप्राइज रह जाते हैं जब हम लीड मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट को लेते हैं और उनका एसेस करके बताते हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, जिससे उनको पैसा मिल रहा है, कस्टमर जिसका पैसा दे रहा है, कभी 25-30% ही निकलती है। तो हमें जरूरत है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को कैसे खत्म करें या मिनिमाइज करें, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर सके और टोटल प्रोसेस कंट्रोल हमारे ला सके, तब हम रियल सेंस में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है बहुत सिंपल वे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लोग परेशान हैं, और इसीलिए हमने एक डेवलप किया डीकेएस मॉडल ऑफ सिंप्लीफाइड टीपीएम स्पेशली फॉर एमएसएमईज या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल है, गारमेंट सेक्टर है, एटसेट्रा, बहुत जरूरत है। इतना सिंपल सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है, सिंपल सिंपल वे में हम वो सारी चीजें करेंगे जितनी चीजें हम लोगों ने सीखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे। अब आप देखिए इसी कावा जी ने क्या कहा कि 90% प्रॉब्लम हल हो सकती है यदि हम डेटा का स्ट्रेटिफिकेशन, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट के बारे में जानते। उन्होंने कहा कि 80% से ज्यादा प्रॉब्लम मैनेजमेंट के कारण है, टास्क परफॉर्मेंस के कारण प्रॉब्लम 20% से भी कम है। क्यों? इक्विपमेंट का सिलेक्शन मैनेजमेंट का है, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट का है, ट्रेनिंग देना भी एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट का काम है, सिस्टम डेवलप करना मैनेजमेंट का काम है, तो उसमें फेल्योर है तो मेजर फेल्योर रहा। और इशिकावा जी हमेशा फेवर करते रहे, महान आलोक जी यही कहते रहे कि स्टेटिस्टिक्स को हमें जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए, जब तक स्टेटिस्टिक्स लोग नहीं सीखेंगे नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है टेक्निक, वो सिंपल है, इसमें बहुत बड़ी हाईफाई टूल्स है टेक्निक नहीं है, इसीलिए इशिकावा जी ने इसको तीन भागों में बांट दिया था, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, टेक्निक टूल्स, इंटरमीडिएट टूल्स और एडवांस टूल। तो इनकी जो नॉलेज है वो हमें प्रॉब्लम को हल करने में बहुत मदद करेगी। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में पीडीसी है, माइलस्टोन चार्ट, गैंट चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रायोरिटी नंबर, रैंकिंग मेथड, फ्लोरिंग। पीडीसी है ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, माइलस्टोन और गैंट चार्ट की बात है, ये एक्टिविटी चार्ट है। हम पहले से प्लान करें, प्लान करने में क्या जाता है, पेंसिल रबर है, प्लानिंग प्रॉपरली हमने ये कर लिया और फिर उसके बाद हम करते हैं तो समय बचता है। यहां तक आप कहेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक्टिविटी चार्ट है। माइलस्टोन में क्या करते हैं, टॉप पे हम टाइम मेंशन कर देते हैं और एक लाइन खींच करके दिखाते हैं इस समय से इस समय तक करेंगे। गैंट चार्ट में क्या है, हम एक लाइन खींच देते हैं और लाइन के बाई तरफ स्टार्टिंग टाइम और दाहिनी तरफ एंड में छोटा सा ट्रायंगल बना करके एंडिंग टाइम मेंशन कर देते हैं, केवल बनाने के स्टाइल में डिफरेंस है। ब्रेन स्टॉर्मिंग तीन तरह के, एलेक्स ऑसबर्न ने इसको दिया, स्लिप मेथड, आपका जो भी आइडिया है आप लिख दीजिए, हमें आपका नाम नहीं चाहिए। आजकल तो एसएमएस, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से समय में हम बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट कर सकते हैं और लोग बेहिचक लिख करके दे सकते हैं।
बस इसमें आइडिया को हम हिचहाइक नहीं कर सकते। हिचहाइक में क्या होता है, आइडिया से आइडिया बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने क्या लिख के भेजा है, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप किससे पूछेंगे, उसमें नाम मेंशन नहीं है। ज्यादा फ्री भी लेंगे या अनस्ट्रक्चर्ड है, यदि आपके पास छोटा सा बूम है प्रॉमिस, ऐसा जो आपकी आवाज को सुन सकता है, एक लगभग सबूत, आप लोगों से आइडिया ले सकते हैं, तमाम लोग आइडिया दे सकते हैं, आइडिया सुनने के बाद ही चाइक करके लोग दूसरे आइडिया भी दे सकते हैं, थोड़े समय में बहुत सारे आइडिया निकल के आ जाएंगे। लेकिन कई लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, जो स्लो थिंकर्स। राउंड रोबिन मेथड, ये छोटी जो क्वार्टर सर्किल या जैसे छोटे ग्रुप, थोड़ा सा छोटा ग्रुप है उसके लिए शामिल है। इसमें हम एक एक करके लोगों से क्रम से पूछते चले जाते हैं, लोग अपने आइडिया देते हैं, कोई आइडिया नहीं आता है तो पास बोल देते हैं। क्वार्टर सर्किल के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए राउंड रोबिन मेथड बहुत अच्छा है। इसमें ही साइकिंग पॉसिबल है। थिंकिंग दो तरीके की, लॉजिकल एंड क्रिएटिव। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग में सोक्रेटिस का नाम आता है, क्रिएटिव थिंकिंग में थॉमस एडिशन का नाम बड़ा फेमस है। लॉजिकल थिंकिंग में जो सोल्यूशन है वो हमेशा एक ही आएगा, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग आप पाएंगे अलग अलग विचार आ सकते हैं। ये क्रिएटिव थिंकिंग जेपी गिलफर्ड ने कहा, इसके पांच एलिमेंट है, फ्लुएंसी, रेट ऑफ आइडिया, एक दिए गए समय में कितना आइडिया निकाल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, कैटेगरी ऑफ आइडिया, ओरिजिनलिटी, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अनकॉमन, कुछ अवेयरनेस, एबिलिटी टू सी एंड इमेजिन बियॉन्ड द इमीडिएट इफेक्ट, ड्राइव, बड़ा इंपॉर्टेंट, विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट एंड अचीव द एंड गोल विदाउट द फियर ऑफ द फेल। फ्लो डायग्राम तीन तरीके के, हाई लेवल, मैट्रिक्स एंड डिटेल। हाई लेवल फ्लो डायग्राम में हम इस तरह से बनाते हैं, मैट्रिक्स फ्लो डायग्राम में डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या काम कर रहे हैं हम उसको दिखाते हैं, और जब डिटेल फ्लो डायग्राम में इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, टर्मिनल सिंबल जो स्टार्ट या एंड में लगता है, स्टार्ट है तो स्टार्ट लिखो, एंड है तो एंड लिखो, एक्टिविटी सिंबल जो भी एक्टिविटी करना है इसमें मेंशन कर दो, डिसीजन सिंबल तय करो ये तो क्या करना है, नो तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट सिंबल आप खाते में जो भी डेटा लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, डेटाबेस सिंबल या इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो कनेक्टर, आप फिगर ये बनाते जा रहे हैं, अंत में आ गया तो एक कनेक्टर बना दीजिए, और जहां से स्टार्ट कीजिए वहां भी एक कनेक्टर बना दीजिए। आप इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, एबीसीडी का अल्फा बीटा गामा जो भी आप निकाले, सी, तो वहां भी आप से लिखिए, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्ट है, इसके आगे चलेगा। एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस की जरूरत पड़ती है, और फ्लो डायग्राम लगभग इस तरीके का बन गया। अभी आप देखिए डॉक्टर जुरान ने क्या कहा, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने उसका डिटेल फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, तो उस फ्लो डायग्राम में डिसीजन सिंबल देखिए, जहां जहां डिसीजन लेने थे आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं। एक्टिविटी सिंबल देखिए, क्या एक्टिविटी एज पर एसओपी हम कर रहे हैं, यहां री लूप है क्यों ऐसा हो रहा है, और यह डेटाबेस सिंबल है, क्या हम डेटा सही कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कैलिब्रेशन सही है, या डॉक्यूमेंट सिंबल है, क्या हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम सही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखने की जरूरत है। यहां तक सेवन बेसिक टूल्स की बात है, डेटा कलेक्शन, पहले इसको चेकशीट के नाम से था, बाद में डेटा कलेक्शन किया, स्टेटिफिकेशन, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, पारेटो एनालिसिस, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ग्राफ एंड कंट्रोल, ये इतने सरल हैं, बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। डेटा दो तरीके के, मेजरेबल डेटा जिसको हम कंटिन्यूअस या वेरिएबल डेटा भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट डेटा जिसको डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। डेटा हम आंकड़ों में लिख सकते हैं और वर्बल डेटा भी लिखते हैं, तो डेटा कलेक्शन हमारे लिए जरूरी है, जो हमारा
जो भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं उसके लिए एक फाउंडेशन है, हमें बताता है कि उसमें हम कहाँ अटैक करें और क्या इंप्रूवमेंट आया। डेटा को स्ट्रेटिफाई करते हैं, आपको दिखाते हैं जब हम पैरेटो डायग्राम बनाते हैं तो एक बंद काज हो जाएगा। पैरेटो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए हमने एक डिफेक्ट कंपोनेंट के डिफेक्ट्स को स्टडी किया, डिफेक्टिव पीसेस हमने 1500 लिए, हमने उसमें जो भी डिफेक्ट है डिफेक्ट का नाम नहीं डाले बट डिफेक्ट कोड डाल दिया, और उसको क्योंकि पैरेटो डायग्राम बनाया ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। आप कहेंगे लास्ट में 48 के बाद 54 है, यस वो अदर्स है, अदर का मतलब तमाम सारे छोटे छोटे डिफेक्ट को मिला दिया गया है, तो हमेशा मिसलेनियस है जो अदर्स है वो लास्ट में है। अभी आपने इसका परसेंटेज निकाल लिया, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, इसके आधार पर पैरेटो डायग्राम बनाया। पैरेटो डायग्राम जैसे आपने बताया था डॉक्टर जुरान की देन हुई क्योंकि उन्होंने वाइटल फ्यू यूजफुल मैनी की बात करी, और यहां पर ये जो कर्व है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्ज कर्व ऑफ कंसंट्रेशन, कहते तेजी से पहले ही आगे बढ़ रहा है जिस जगह से टर्न करता है, ये जो पॉइंट है यहां से आपको लाइन नीचे खींचनी है और इधर जो है ये वाइटल फ्यू है ये यूजफुल मैनी। कई लोग कहते थे 80-20, नहीं डॉक्टर जुरान ने 80-20 की बात नहीं करी, जब पैरेटो ने बात करी थी उन्होंने जरूर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात करी थी। डॉक्टर जुरान का तो कहना था कि प्रॉब्लम कोई भी उसके बहुत सारे कारण होंगे लेकिन चंद कारण ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब ये जो चंद कारण है वाइटल फ्यू और ये यूनिवर्सल फिनोमेना बताया, इसका मतलब क्या है, चंद कारण जब तक है वो तेजी से कर्व बढ़ेगा और जो छोटे छोटे कारण है तो कर्व धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि कर्व इस तरीके से नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि जब डेटा यहां दिया है हमें मालूम है पहले ई लेना है फिर बी लेना है फिर डी लेना है फिर सी लेना है, करना तो सभी है, तो काहे के लिए दुनिया भर का इतना तामझाम करें इतना चित्र बनाए। यस ये पैरेटो डायग्राम खाली विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, विजुअल प्रेजेंटेशन तो हम केवल बार ग्राफ बनाने से लगा सकते थे, हम दोनों साइड के एक्स और वाई एक्सिस जो हमने बनाया है y-axis दोनों साइड में बनाया है, क्यों बनाए, ये इसलिए बनाया गया है कि यदि ये कर्व इस तरीके से नहीं है बल्कि या तो स्ट्रेट लाइन है अप एंड डाउन है या कुछ अरे इस तरीके का कर्व नहीं आ रहा है कि तेजी से आगे बढ़कर कभी धीरे धीरे नीचे जाता है, इसका मतलब आपने डेटा प्रॉपरली स्ट्रेटिफाई नहीं किया है, आपने डेटा सफिशियंट डेटा कलेक्ट नहीं किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमें फिर से उसको करना होगा, अदरवाइज हम जिसको समझ रहे हैं वाइटल फ्यू हो सकता है वो सही ना हो। तो ये इस बात को वैलिडेट करता है कि जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं सही है और हम पहले ई और बी और डी पे कंसंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे। जब पैरेटो डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद हम आफ्टर पैरेटो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान रखिए कंपेरिजन है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो स्केल है y एक्सिस इसका वो चेंज नहीं होगा, तो राइट साइड का स्केल है वो केवल चेंज होगा, तो ये स्केल एज इट इज रहेगा। मान लीजिए 1500 की जगह अब वो घट करके 800 आ गया है तो 800 विल बी इक्वल टू यहाँ पर 100% आ जाएगा और उसी हिसाब से पैरेटो डायग्राम कॉज इफेक्ट डायग्राम तीन तरीके का है, डिस्पर्सन एनालिसिस जिसमें पहले हम हेडर बनाते हैं फिर कॉजेस सब कॉजेस सब सब कॉजेस दिखाते हैं, कॉज इन्फॉर्मेशन टाइप जिसमें पहले हम सारे कॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनको एफिनिटी से के हिसाब से उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर उसके उसका हेडर डिसाइड करते हैं, और प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासिफिकेशन टाइप में हम डिपार्टमेंट वाइज या अलग अलग उसमें देखते हैं
और हर एक में कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये टोटली वर्बल बेस्ड डेटा है, क्योंकि सेवन टूल्स में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ऐसा है जिसमें कि वर्बल डेटा का इस्तेमाल होता है। और जीआईएस जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ने इसको सेवन टूल में रिकॉग्नाइज किया। तो आप देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अलग अलग हर एक में क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपने कहा कि क्राइम फेलियर है तो अलग 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 ये है छह, हर एक में क्या क्या हो सकता है आप उसमें देखिए कॉजेस बनाएंगे। यहां तक डिस्पर्सन एनालिसिस और कॉज इन्फॉर्मेशन मेथड हमने आपको बताया, देखने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे, केवल एक ही है कि यहां पर जो हेडर है पहले बना करके कॉजेस सब कॉजेस निकालते हैं डिस्पर्सन, और ये जो नए लोग होते हैं उनके लिए होता है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। और जब हम कॉजेस सब कॉजेस निकाल करके जैसे यहां पर बताया गया था हम लोगों ने इसको करते हैं और एफिनिटी के हिसाब से बनाकर उसका हेडर डिसाइड करते हैं, ये कॉज इन्फॉर्मेशन मेथड टाइप। और इस तरह का चित्र बना करके कई बार हम डिपार्टमेंट में लगा देते हैं दोनों टाइप में, और कहते हैं लोगों से कि आपके और कोई पॉइंट है तो आप इसमें लिख करके कार्ड्स लगा दीजिए या स्लिप लगा दीजिए, और फिर उसके बाद हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। और इस तरह जो सेडेक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम विद एडिशन ऑफ कार्ड्स ये हो जाता है। अब ये जितने भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है इनमें जो लास्ट पॉइंट होता है हम उसको राउंड अप करते हैं, राउंड अप करने के बाद हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं जो कि प्रोबेबल रूट कॉजेस है। स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक्स डिपेंड करता है वाई पर, तो एक्स का वाई पे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 100 आर स्क्वायर छोटा सा फॉर्मूला। आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड, ये तीन मेजर से सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हिस्टोग्राम, यदि आप हिस्टोग्राम बनाए और उससे कर्व बनाए और इस तरीके का कर्व आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है, और ये बताता है कि आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है। यहां पर -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में 99.73% रीडिंग्स आएंगी, 2 सिग्मा के बीच में 95.45 एंड 1 सिग्मा के बीच में 68.27% रीडिंग आती है। तो यहां पर ऑल थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन एंड मोड इन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है रीडिंग हर एक के जो आंसर आएंगे वो एक ही होंगे। ये जो हिस्टोग्राम है ये अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, यहां पर क्या बता रहा है, दाहिनी तरफ ज्यादा डेटा है इसकी पॉजिटिव, बाई तरफ ज्यादा डेटा है इसकी नेगेटिव। आजकल कोरोना टेस्ट में जो नेगेटिव आता बड़े खुश होते समझते शायद यहां भी ये नेगेटिव माने बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों ही ठीक नहीं है, एक तरफ बाई तरफ ज्यादा डेटा है, यह इसके पहले वाले में दाई तरफ ज्यादा डेटा थे, डेटा दोनों साइड इक्वल है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब कई बार कस्टमर ने कहा कि आपको इसके ऊपर का माल नहीं चाहिए और आपने माल बनाया है, आपने देखा बाई तरफ बहुत सारा कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी माल आ रहा है, आपने उसको हटा दिया, तब जो ग्राफ आएगा जो हिस्टोग्राम आएगा वो ऐसा आएगा, यदि आप लाइन खींचेंगे तो जैसे हाथी के सूट की तरह ट्रंकेटेड टाइप। यदि दो मशीनों में या दो अलग अलग दिन या दो अलग अलग प्रोसेस में माल बन रहा है, एक ही माल बन रहा है लेकिन उसके एवरेज अलग अलग है, डबल पीक आएगा, मिक्स करेंगे माल को डबल पीक आएगा। यदि आपने सही मेजरमेंट नहीं लिए है, सही स्केल नहीं चुना है या बोगस रीडिंग है, आप पाएंगे लगभग कॉम टाइप रीडिंग्स आती है।
हिस्टोग्राम आएगा। आपने बहुत बड़े लॉट में थोड़ा सा दूसरे स्टैंडर्ड का मटेरियल मिला दिया तो आइसोलेटेड पीक आएगा। आइस में जो छोटा पोर्शन है ये दाहिनी तरफ भी हो सकता है, बाई तरफ भी हो सकता है। कई दिनों का रखा हुआ तमाम थोड़ा थोड़ा माल बसता चला गया, आप सब इकट्ठा करते चले गए और इस तरीका का जो माल है आप पाएंगे इस प्लेटो टाइप, यानी बहुत दिनों का या अलग अलग प्रोसेस का माल बचा हुआ सब आपने मिक्सअप कर दिया। प्रोसेस कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपके प्रोसेस की कैपेबिलिटी नहीं है आप सर के बल खड़े हो जाओ कुछ नहीं होगा। तो आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जरूर आना चाहिए। अभी बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सीपी कहता अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट, ये दोनों लिमिट कस्टमर ने ऑलरेडी दे रखी हुई है। ये दूसरे का 50 mm प्लस माइनस 0.5 mm, इसका मतलब कस्टमर चाहता है 49.5 से 50.5 के बीच में, यानी USL SL LSL आपको मालूम है। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो रीडिंग लेते जाओ, अरे कैलकुलेटर फिट करते जाओ, सिग्मा को बटन दबाओ, सिग्मा की वैल्यू आ गई, 6 सिग्मा डिवाइड कर दो सीपी की वैल्यू। अब ये जो सीपी की वैल्यू है इसको यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बता देगा कि सिग्मा किस सिग्मा लेवल तक आप प्रोडक्ट को अचीव कर पाएंगे। ये आपके प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स के माध्यम से हम प्रोसेस की कैपेबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। यदि वो प्लस माइनस 2 सिग्मा बता रहा है तो कस्टमर प्लस माइनस 4 सिग्मा मांग रहा है, 3 सिग्मा मांग रहा है, आप कह नहीं सकते। यदि आपकी कैपेबिलिटी है लेकिन सेंट्रल लाइन शिफ्ट कर गई है राइट साइड या लेफ्ट साइड तो अचीव कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी, और नॉर्मली अचीव कैपेबिलिटी कम ही मिलती है। तो यहां पर अचीव कैपेबिलिटी कितनी है, अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस एवरेज डिवाइड बाय 3 सिग्मा या एवरेज माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट डिवाइड 3 सिग्मा, जो छोटा हो। सीपी मेंटेनेंस के द्वारा इंप्रूव हो सकती है, सीपी के जो वहां पर काम कर रहे हैं दे हैव टू सी, उनको देखना पड़ेगा कि जो एवरेज है वो ठीक है। ग्राफ विलियम वेलफेयर एंड टी एस लंबर्ड इन्होंने ओरिजिनेट किया। अब देखिए ये बेसिक ग्राफ है, लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट पिक्टोरियल चार्ट, लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई ग्राफ पिक्टोरियल चार्ट आप जानते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पज ग्राफ बेल्ट ग्राफ। आप देखिए बेल्ट ग्राफ में यहां पर 3 चीजों को दिखाया गया है और तीनों का टोटल भी मिल गया। ये आपके बच्चे के सब्जेक्ट वाइज नंबर, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 को और टोटल भी नजर आ जाएगा, बेल्ट ग्राफ हो गया। एरिया ग्राफ अब आप देखिए यहाँ फेल्योर अप्रेजल प्रिवेंटिव, यदि हमने इसका बेल्ट ग्राफ बनाया होता 87-88 से लेकर 92 तक का, और जैसा आपने यहाँ पर देखा ये जो बनाया, यदि हम इन दोनों को आपस में मिला दें, सारे चारों को मिला दें और इसको ग्रीन वाले को ऐसे करके लाइन बनाएं, व्हाइट को इसी तरह करके बनाएं और रेड को इसी तरह करके बनाएं, तो इसी तरीके से शायद कुछ ऐसा आ जाएगा। ये जो स्टेटा ग्राफ या एरिया ग्राफ है इंपॉर्टेंट है किसी समय पर। आप देखिए प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ रही है, फाइनेंस वाला क्या बोलेगा, सर प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ रही है इसको कम करो, लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, क्योंकि प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ रही है अप्रेजल कॉस्ट कम होती जा रही है, फेलोर कॉस्ट कम होती चली जा रही है, तो जो पार्टी कॉस्ट है वो हमारी बराबर कम होती चली जा रही है, इंप्रूव कर रही है, ये हमारे लिए फायदेमंद। प्लॉट ग्राफ जितना आपने अचीव किया ऊपर तैरते हुए दिखा दिया गया, जितना नहीं अचीव कर पाए वो डूब गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग जब 6 दिन का ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं हम इनिशियल स्टेज में उनका टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट ले लिया ऑपरेटर ग्राफ में हमने ये लाइन खींच दी, हमको मालूम पड़ गया हमारे ये जो ग्रुप है उसका स्टेटस क्या है, कहां
ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कहां कम करना है। 6 दिन का प्रोग्राम है, 5वें दिन फिर हमने टेस्ट लिया और ये पोजीशन आ गई। इसका मतलब जो रेड पोर्शन है ये इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये भी बता रहा है कि यहाँ पर ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी कुछ इंप्रूवमेंट और चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो इस तरीके से जो 6ठा दिन है हमें इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा। तो ये हमको ये भी बताता है हमने क्या अचीव किया और कहा हमको और एफर्ट डालने चाहिए। कंपाउंड ग्राफ आपको बताया है, पैरेटो डायग्राम इससे ये कॉम्बिनेशन है हमारे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। स्टेट डायग्राम अब आप देखिए, इसमें हम जनसंख्या को भी दिखा रहे हैं स्टेट वाइज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं और साथ में मेल और फीमेल भी दिखा रहे हैं। जी ग्राम यहां पर हर महीने दिखाया गया है सेल कितना कितना रहा और जनवरी से लेकर के किसी भी महीने तक का कितना सेल रहा, यानी क्यूमुलेटिव लाइन बनाते चले गए। ये क्या हो गया, 12 महीने का सेल। अब हम एक एक महीने पीछे हटते जाए, ये 12 महीने का सेल है जनवरी से दिसंबर तक का, यहां पर कितना होगा जब हम नवंबर पे लेंगे, पिछले दिसंबर से नवंबर ले लेंगे, यानी जितने भी ये आ रहे लाइंस आ रही हैं, ये हमारे जितने भी सेल है ये हमारे होंगे पिछले 12 महीने के, क्योंकि हमें पिछले 12 महीने के सेल का ट्रेंड बता रहा है, क्यूमुलेटिव ट्रेंड बता रहा है और मंथली ट्रेंड भी बता रहा है। आप कहोगे ये जेड लिखा है जी को, क्योंकि ज्यादातर ये ग्राफ डेवलप हुए अमेरिका में और वो जेट नहीं जी बोलते हैं, इसीलिए इसको जी, इसीलिए जीटीबी भी। कंट्रोल चार्ट्स देखिए, डेटा दो तरीके के, मेजरेबल और एट्रिब्यूट। कंट्रोल चार्ट मेजरेबल डेटा के लिए और एट्रिब्यूट डेटा के लिए दोनों ही है। कंट्रोल चार्ट में क्या है, जो शेवर ने कहा था वेरिएशन तो होगा, एक लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यदि पॉइंट उसी के अंदर मूव करता है दिस इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर, और ये जो वेरिएशन है ये चांस कारण से है, लेकिन यदि कंट्रोल लिमिट के ऊपर कोई पॉइंट आता है ये असाइनेबल कॉज। यहां पर जो मेजरेबल डेटा है उसके बेस पे हम एक्स आर चार्ट बनाते हैं और दूसरा है मूविंग रेंज चार्ट या एक्स आर चार्ट। एट्रीब्यूट डेटा है डिफेक्टिव या डिफेक्ट्स, तो डिफेक्टिव फिक्स सैंपल साइज है तो एनपी चार्ट, वेरिएबल सैंपल साइज है तो पी चार्ट, और डिफेक्ट कंट्रोल फिक्स सैंपल साइज है सी चार्ट, वेरिएबल सैंपल साइज है तो यू चार्ट। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि वेरिएबल और डिफेक्टिव है यहां जो कंट्रोल लिमिट है, यदि फिक्स सैंपल साइज है तो कंट्रोल लिमिट सेम रहेगी और वेरिएबल सैंपल साइज है तो अपर लोअर कंट्रोल लिमिट भी बदलती जाएगी सैंपल साइज के साथ। यहां पर भी कंट्रोल चार्ट, यहां आप देख रहे हैं 3 बार साइज चेंज हुआ है, सैंपल साइज चेंज हुआ है तो 3 बार लिमिट भी चेंज हुआ है, जरूरी नहीं कि घटते क्रम में, घटते बढ़ते कैसा, हम लोग डे टू डे में प्रोसेस में एक अपर स्पेसिफाइड लिमिट डाल देते हैं, लोअर स्पेसिफाइड लिमिट डाल देते हैं और ऑपरेटर को बोलते हैं अब पॉइंट लगाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रन चार्ट। लेकिन रन चार्ट में ही आप ये देखिए, यदि पॉइंट 7 पॉइंट लगातार सेंट्रल लाइन के ऊपर आ रहे हैं इसको रन बोलते हैं, मींस एवरेज शिफ्ट हो गया, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और यदि कंटिन्यूअसली पॉइंट नीचे आ रहा है 7 पॉइंट या ऊपर जा रहा है ये ट्रेंड कहलाता है और इमीडिएटली इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। जहां तक कंट्रोल चार्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंट्रोल करने की बात है, बड़ा सरल, केवल एक फॉर्मूला, क्या, एवरेज प्लस 3 सिग्मा अपर कंट्रोल लिमिट, एवरेज माइनस 3 सिग्मा लोअर कंट्रोल। एवरेज आप आसानी से निकालने जानते हो, सिग्मा कैसे करेंगे ऐसे तो आप कैलकुलेशन जानते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल फॉर्मूले बता देते हैं। एक चीज और, जब हम एक्स बार आर चार्ट एक्स आर चार्ट बनाते हैं रेंज इंपॉर्टेंट है,
एवरेज नहीं, एवरेज है लेकिन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अपर कंट्रोल लिमिट रेंज D4 आर बार, लोअर कंट्रोल लिमिट रेंज आर इक्वल टू D3, जिससे हम ये महसूस मालूम कर सकते हैं कि इसका रेंज कहां से कहां तक जा सकता है। याद रख सिग्मा की बात है, ये फार्मूले दिए हुए हैं। अब इसमें एन तो नंबर है, पी परसेंटेज है, सी आपने कितने कितने डिफेक्ट्स आए वो है, तो इस तरीके से यू कितने कितने डिफेक्ट्स कितने सैंपल साइज में आए हैं वो बता रहा है। तो ये सारे डेटा है, A2, T2 और इसके पहले D4, D3 आया था, ये सब आप स्टैटिस्टिक्स के बुक में सैंपल साइज के हिसाब से इनके कांस्टेंट को देख सकते हैं। और आप देखिए सिग्मा की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हमने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 सिग्मा हो गया, एवरेज में जोड़ दिया अपर लिमिट, एवरेज से घटा दिया लोअर लिमिट, कितना सरल है। साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने इस नॉलेज टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पेन कैलकुलेटर लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि पहले 15 क्वेश्चन के आंसर आप जब देंगे तो जो भी करेक्ट आंसर है उसमें क्लिक करेंगे तो एक डाटा आ जाएगा, 50 सेकंड मिलेंगे आपको। यदि आपने 50 सेकंड के पहले आंसर दे दिया तो नीचे सबमिट का कॉलम है, आप सबमिट कर दीजिए। यदि 50 सेकंड हो गए तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, परेशान मत होइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपने हल किया हो ना किया हो 50 सेकंड पूरा होते आ जाएगा। 15 क्वेश्चन के बाद आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, यहां पर कैलकुलेशन की जरूरत है, इसलिए वहां पर आपको 90 सेकंड दिए गए, 90 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। 90 सेकंड के अंदर आपने आंसर दे दिया है, आप अगले क्वेश्चन में जा सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए कि आप स्क्रीन को मिनिमाइज मत कीजिए, बैक बटन मत दबाइए, नहीं तो आपकी स्क्रीन गायब हो जाएगी और टेस्ट आपका बेकार। प्लीज के बी केयरफुल, क्योंकि ये पूरे इंडिया भर में सब जगह एक साथ हो रहा है और एक 5 मिनट के अंदर हमारे पास सारे रिजल्ट्स मौजूद होंगे। तो आप पूरी तैयारी कीजिए, केवल रिफ्रेशर प्रोग्राम के सहारे मत रहिए, क्वेश्चन आंसर बुक भी देखिए, टेस्ट बुक भी देखिए, इससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।